लोकमत न्यूज हॉट व्हील्स के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुवासित और आज जो कार हमारे साथ है वो है मारुति सुजुकी की नई एस क्रॉस। क्रॉसओवर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, लेकिन ये जो कार हमारे साथ है वो क्रॉसओवर सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। तो आज हम जानेंगे कि नई एस क्रॉस में क्या खास है। सबसे पहले नजर डालते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल पर। ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पहली नजर में ही पता लग जाता है कि ये प्रीवियस मॉडल से कितनी अलग है। यहां नया 10 स्लैट क्रोम ग्रिल लगाया गया है जो कार के अपीयरेंस को बोल्ड और अट्रैक्टिव बना रहा है। साथ ही इस बार कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED फॉग लैम्प और स्पोर्टी बम्पर लगाया गया है। अब एक नजर कार की साइड प्रोफाइल पर। यहां आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार कार में नया डायमंड कट एलॉय व्हील लगाया गया है जो साइड प्रोफाइल के लुक में जान डाल देता है। साइड प्रोफाइल की तरह ही कार के पिछले हिस्से में भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। यहां एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो नई हैं। इसमें LED लाइट इंसर्ट, और क्योंकि इस बार एस क्रॉस में SHVS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसलिए यहां स्मार्ट हाइब्रिड का बैज लगाया गया है। हमने एक्सटीरियर डिजाइन की तो बात कर ली, अब जानते हैं कि कार के अंदर कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं। यहाँ एक बात जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इस बात में कोई शक नहीं कि एस क्रॉस मारुति की सबसे कंफर्टेबल कारों में से एक है। कार के डैशबोर्ड में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, साथ ही साथ इसे सॉफ्ट टच फील दिया गया है। डैशबोर्ड में कई जगहों पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नजर डालें तो इसे नेक्सा के सिग्नेचर ब्लू टोन में रखा गया है। ड्राइविंग पोजीशन कमांडिंग है और किसी भी हाइट वाले व्यक्ति को इसे ड्राइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट की सुविधा भी है जो आपकी ड्राइविंग को आसान बनाता है। अब बात नई एस क्रॉस के इंजन परफॉर्मेंस की, तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि नई एस क्रॉस में कंपनी ने माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसे कंपनी SHVS नाम से बुलाती है। एस क्रॉस की बात करें तो इस कार में 1.3 लीटर DDIS 200 डीजल इंजन लगाया गया है। एस क्रॉस के साथ पेट्रोल वर्जन उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने अभी तक इस कार के पेट्रोल वर्जन को लॉन्च नहीं किया है। हालांकि खबरें हैं कि बहुत जल्द कंपनी एस क्रॉस को पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। नई एस क्रॉस में लगे 1.3 लीटर डीजल इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस किया गया है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो लोअर RPM में आपको थोड़ी सी पावर की कमी लगेगी। 1800 और 1900 RPM के ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉपर पावर डिलीवरी मिलती है। लगभग हर गियर में आपको पावर ठीक ठाक मिलेगा, इस लिहाज से सिटी ड्राइव के लिए भी ये कार काफ़ी अच्छी है। एक नज़र कार में लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम पर डाल लेते हैं। ये वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एस क्रॉस के प्रीवियस मॉडल में भी देखा था हमने। हाँ, इस बार एप्पल कार प्ले के साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा भी दी गई है। अब बात करें सीटिंग कम्फर्ट की तो यहाँ भी आप निराश नहीं होंगे। मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये मारुति की सबसे कंफर्टेबल कारों में से एक है। कार के डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। इसे ऐसे तैयार किया गया है ताकि आपको किसी भी रोड कंडीशन में प्रॉपर सपोर्ट मिले। स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है ताकि ड्राइव के दौरान आप अपने ज़रूरत के सामानों को अच्छी तरह रख सकें। इसमें 353 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जिसमें अच्छा खासा लगेज रखा जा सकता है। कार में सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा गया है। एस क्रॉस के सभी वेरियंट्स में ABS, डुअल एयरबैग और आइसोफिक्स को स्टैंडर्ड फीचर में शामिल किया गया है। अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। तो मैंने आज आपको नई एस क्रॉस की सभी खूबियों और कमियों से रूबरू कराया। ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो नई एस क्रॉस पुरानी वाली एस क्रॉस के मुकाबले ज्यादा बोल्ड, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग नजर आती है। हालांकि इंजन परफॉर्मेंस में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लगभग पुरानी वाली एस क्रॉस की तरह ही है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम सी दिखने वाली क्रॉसओवर कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी एस क्रॉस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब एक नज़र कार की कीमत पर। मारुति सुजुकी एस क्रॉस 4 वेरिएंट में उपलब्ध है जिसे सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा नाम दिया गया है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 8,61,000 रुपये से लेकर 11,33,000 रुपये तक रखी गई है। तो आज थी हमारे साथ मारुति की नई एस क्रॉस। अगले एपिसोड में हम फिर होंगे एक नई कार के साथ।
Stay tuned with me, do like this video and do not forget to subscribe our YouTube channel. Till then, goodbye and drive safe.